हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। मैं हूँ जाइट। सो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही डरावना प्रैंक कि मैं सब मेरे मेल फ्रेंड्स, मतलब जो भी है, अब्रेश, रीशान नहीं है गाइस, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं तो बाहर गया है काम से, मतलब मम्मी डैडी के साथ, अरसू पे, बिलाल भाई पे, अमन भाई पे, सब पे मैं एक प्रैंक करने वाली हूँ। और वो प्रैंक क्या होगा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, थोड़े टाइम बाद आपको पता चल जाएगा। तो बहुत मजा आने वाली है और मैं बहुत ही सीरियस एक्टिंग करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे। एकदम कुछ जाने, एकदम वो साउथर्न इंडिया वाली। हाँ, क्राइम पेट्रोल। सो गाइस, चलो देखते हैं। और एज यूजुअल आपको पता है, मैं जाहिद भाई को इन्वॉल्व करूंगी अपने साथ, क्योंकि वो जब भी मेरे साथ मतलब इन्वॉल्व रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। सो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मम्मी भर दे, मैं जब गया था सोचा था मार दिया। अब्रेश आ रहा है। आया तो मन नहीं कर रहा। कुछ नहीं हुआ, भर दिए पानी। निशान कब तक आएगा? तो पैर दुखा, लेग मार लिया ना। नीचे बैठने का मजा ही अलग है, मजा ही आती है। फोन किया था, लोग रास्ते में है। क्या हुआ अचानक? अभी तो ठीक थे। वो म्यूजिक दे रही है। चिक-चैक, अरे यार दीदी बता दो ना। क्या अरे जो है बात वो बता दो। क्या हो, क्या हुआ? जो मेरे को बताए थे। क्या बताया था तुमको? अभी तो मैंने जब बोल दी एक बार मैं नहीं आऊंगी नीचे, जबरदस्ती है क्या? अरे मेरे को नहीं आना, मेरे को नहीं करनी है बात। जबरदस्ती क्यों कर रहा है तू मेरे साथ फालतू की? कौन है तू? तकार से बात कर रहा। नहीं बोल दी ना एक बार मैं नहीं आऊंगी नीचे, तो फोर्स मत कर। धमकी दे रहे थे तू मेरे को, जो कर सकता है करिए। मैं तो पहले हाथ उठा दिया था, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं भी समझ के ले रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं। बोल क्या रहा हूँ, धमकी आपकी देने की बात कर रही थी। खबर नहीं पड़ गया था क्या? मैंने उसको बोली कि वो मेरे को बहुत वो कर रहा था, परेशान कर रहा था, मतलब हर चीज में रोक टोक कर रहा था। तो मैंने बोली कि मेरे को नहीं रहना है साथ में। तो कभी की बात है, हो गया टाइम, 5-6 महीना हो गया। नहीं रहना था तो फिर काहे के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है उसको रहना है। ये मैं देखा हूँ, दो टाइप की लड़की लोग तो देखती है, जिसको रोक टोक पसंद नहीं है और एक जिसको रोक टोक पसंद है। तो आरती उनमें से जिनको रोक भाई को लगता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लड़कियों के बारे में नहीं, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। रोक टोक एक लिमिट तक पसंद आती है, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड था सब कुछ, तुम रिलेशन में क्यों आए थे? मुझे पता नहीं था, अच्छा लगा था भी ना। एक बात बताओ, अगर इंसान तुमको पहले अपनी असलियत नहीं बताएगा, बाद में बताएगा, तो तुम क्या कर सकते हो? कितने साल चले? ऐसा अगर ये वही सोचे कि तुम्हारी असलियत बाहर निकल रही है, पहले तो हम हमें हाँ मिलाते थे। एक बात बताओ, अगर यही चीज वो लड़का बोले कि ये स्टार्टिंग में मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी, रिलेशन में आने के बाद ये चेंज हो गई, अब नहीं मिलाती हाँ में हाँ, तो अपन किसकी किसकी साइड? एक साइड देख के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए बहुत ज्यादा। कौन है वो, किधर है?
किधर है वो? वो नीचे बोल रही है, तुम मेरे को नाम बताओ क्या उसका? अमन तो नहीं है वो? महेश दल्ला तो नहीं? सुनो मेरी बात, अगर तुमको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है, एज अ गर्ल मैं बोलती हूँ, अगर तुमको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है और कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? तुमको क्या चीज अच्छी नहीं लगती? नहीं, एक बात बता रही हूँ, वो कुछ है तो अगर तुम अच्छा नहीं लगेगा, फालतू की वाली बात कर, नहीं तो मैं एक बात कर, एक बात कर, डबल मीनिंग बात मत, डबल मीनिंग है, तुम डबल मीनिंग सोच रहे हो, मैं बोल रही हूँ। बोलो क्या बोलो? अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो वो मुझसे बोल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अगेंस्ट बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, तो वही तो पॉइंट है ना। तो अब मुझे वो चीज समझ में आ रही है कि वो किस हिसाब, वो बहुत एग्रेसिव है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। जनरेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जनरेशन क्या बूढ़े हो गए हो क्या? नहीं क्या बोलूं अभी, मैं जनरेशन का हूं लेकिन मैं थिंकिंग में ही अलग है ना, मैं कुछ और सोचता हूं। तुम लोग ऐसे और मैच्योर बनो, मैच्योर एक रहे ना तो उसी के साथ ही रहो। सही बात है, लेकिन 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 अगर तुमको ट्रस्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको पहले से ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, तुम लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कुछ वो नहीं है, तो फिर म्यूचुअली बात करें खत्म करो ना, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। सही बात है, ब्लैकमेल कर रहा है वो, बोल रहा है मुझे कहीं पर भी दिखेगी मैं उठा लूंगा कुछ भी। आरती की पसंद पे मेरे को भरोसा था, पैसे मांग रहे, वाह, मतलब और कुछ मिला नहीं उसको, पैसे मांग रहे, जबरदस्त। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, मेरे सामने कभी कॉल नहीं आया क्या? मतलब अरे भाई नाम चेंज, नाम चेंज हुआ ना, मैंने उसको ब्लॉक करी थी, अभी वो मुझे अन्नो एक नया सिम लेके कॉल कर रहा है। अच्छा एक बात, उसको भी मैंने ब्लॉक करी, वो राह चलने का फोन लेके मेरे को कॉल कर रहा है। अच्छा आरती, मेरी बात तो सुनो, कौन है कौन? 7 महीने ब्रेकअप को हुए, 7 महीना हुआ है बोल रही है, और रिलेशन में कितने दिन तक लगा थे? 7 महीना रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया 3 महीना हुआ है, 3 महीना तो आज तक कभी हम लोग ने देखे नहीं ब्रो, तो ना चैट करते हुए देखे ना फोन करते हुए देखे। मैंने मैं नहीं बताई थी ना, मैं प्राइवेट रखी थी, मेरे को लगा कि मैं सॉल्व कर लूंगी, हो सकता है तुम की हो तो हो सकता है, कोई शक नहीं, कुछ भी फ्रेंड ब्रो कुछ भी कर सकती है। बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ, क्या अभी क्या हो रहा है? पूछ रहा हूँ कि क्या चीज के ऊपर अभी क्या करने का है, तुमको रहने का है या नहीं रहने का, ये बताओ। तुम ब्लॉक करो, ऐसा है तो तुम तुम्हारे घर पे बोल दो कि देखो ऐसा ऐसा हो चुका है, अगर नहीं तो पुलिस स्टेशन पे जाकर करो कि एक बंदा मेरे को इतना इतना ब्लैकमेल कर रहा है, क्या नहीं है तो हम लोग को बताओ, हम लोग बात करते हैं। पैसा क्या पैसा, तू कमा रही वो खा रहा, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो अभी तुम क्या, वो क्या बोला अभी फोन करके तुमको? बोल रहा है कि तू नीचे आ रहे तो मैं ऊपर आता हूँ। चलो हाँ ऊपर बुला लो, देख लेते हैं, देखते हैं क्या है, तो नीचे जा देते हैं। मैं ना पहले नीचे देख के आता हूँ, पहले तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तो देखने तो दो, मैं चलूँ साथ में, चलूँ साथ में, रुक रुक मैं आता हूँ। अबे कोई है ही नहीं, अरे इधर से भी दिखता है ना ब्रो, इधर से देखो तो वापिस फोन नहीं आता, ऊपर नहीं चढ़ जाता, कब कितनी देर हो गई अपने को बात करे हुए, इधर से भी दिखता है ना भाई, फोन आ रहा है, फोन साइलेंट पे लगाओ। मेरे को ये नहीं समझ में आया ब्रो, मतलब ऐसा क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब ये और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपार्ट हुए, मतलब अलग अलग हुए, फिर फोन करे क्यों, परेशान करे? किसी की तरफ से देख के हजम नहीं होती क्या? मतलब किस चीज के लिए? अच्छा तुम रोना छोड़ो, तुम रोके मतलब नहीं, अब देख लेंगे, चलते अभी नीचे, तुम अपना ध्यान रखो ना, काम कर दे, चलते चलते, चलो 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 नीचे चलते, चलो चलो उठो उठो, चलो परेशान मत, चलो उठो लेकर आ, चलो चलो, अरे आप लोग है ना उठा लेंगे कंधे को उसको, चलो रे चलो, अबे चलो चलो, इसलिए नहीं बना रहा तो बॉडी, समझे ना, तो मारने के लिए बनाओगे तुम बॉडी, एक मुक्का वो तो हो जाएगा।
आरती दीदी ने मेरे को पहले ही बोल दिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने मेरे को नीचे बोल दिए थे जाके ना केक लेके आने, तो मैं जल्दी जल्दी केक लेता हूँ और जाता हूँ उधर नीचे। प्राइस में ये केक लेके खड़ा हूँ, ये केक देख सकते हैं अभी उन लोग आते ही होंगे। आ गए पहले, लेकिन ये मेरा प्लान हो गया था जीशान को हम लोग बाद में केक खिलाएंगे। सो गाइस डू द ऑनर्स। बोला बोला चलो, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज अ प्रैंक। पकड़ो क्या हो गया, लेकिन ऐसा दिख देख लेना। मतलब मिस यू जीशान, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। केक की लगे मैं बताता हूँ, अगली बार से ना अपन ज्यादा लोग केक खाते नहीं है, तो एक क्या करेंगे अगली बार से कुछ और कट करेंगे। क्या कट करेंगे? चिकन, प्रोटीन, नहीं नहीं चिकन, हड्डी दीदी। सो गाइस ये एक छोटा सा प्रैंक था इन लोग के साथ, क्योंकि मुझे लोगों को केक ये करवाना था, कट करवाना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हिट द बेल आइकन गाइस।